الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. آج کی اس مبارک مجلس میں ہم ایک سورت شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے سورة النحل. نحل کرتے ہیں عربی زبان میں شہد کی مکھی کو. اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں شہد کی مکھی کو بیان فرمایا. شہد کی مکھی کے اندر اللہ تعالیٰ کی عجیب اور غریب قدرت ہے. جب آیت آئے گی تو انشاءاللہ اس کے بارے میں کچھ باتیں بتلائی جائے گی. اس سورت کا دوسرا نام ہے سورة النعم. اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. اللہ نے انسانوں کو، جناتوں کو، مخلوق کو بہت ساری قسم قسم کی نعمتیں عطا فرمائی ہے. اسی لیے اس سورت کا نام سورة النعم بھی ہے. یہ سورت مکی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. اس میں 128 آیتیں ہیں. سورہ انبیاء کے بعد یا سورہ کہف کے بعد اور سورہ سجدہ سے پہلے 72 یا 70 نمبر کے اوپر نازل ہوئی. 72 یا 70 نمبر کے اوپر یہ سورت نازل ہوئی. ترجمہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ ہی کے نام کی برکت حاصل کرتے ہوئے میں پڑھتا ہوں، جن کی رحمت سب کے لیے ہیں، جو بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم آ ہی پہنچا ہے، سو تم اس کے لیے جلدی مت مچاؤ، اللہ تعالیٰ کے حکم کو جلدی مت مانگو. جو شرک یہ لوگ کرتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہیں اور بہت بالا و برتر، یعنی دور ہے. اللہ کا حکم آرڈر، یعنی کافروں کو سزا دینے کے وقت کے بارے میں بالکل قریب آ گیا ہے. اللہ نبی کی جماعت کو غالب کریں گے، کافروں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا. لہذا تم جو ہے جلدی مت بچاؤ، اللہ کے حکم کو جلدی مت مانگو.
कयामत बहुत जल्दी आएगी, मौत जल्दी आएगी। 60, 70, 80, 100 साल की उम्र क्या उम्र है। अल्लाह का अज़ाब जल्दी आएगा। अल्लाह ताला ने इंसानों की इस्लाह के लिए कुरान उतारा है। उस कुरान के मुताल्लिक जल्दी जल्दी में कोई फैसला न करो। इस सूरत को अल्लाह ताला ने बगैर किसी तमहीद के एक सख्त वईद और घबराने वाले टाइटल से शुरू कर दिया। बात ये थी कि मक्का के काफिर मुशरिक लोग कहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको कयामत से डराते हैं, अल्लाह के अजाब से डराते रहते हैं। बतलाते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको मुसलमानों को दुनिया में गालिब करने का वादा किया है, मुखालिफों को सज़ा देने का वादा किया है, लेकिन ये बात हमको नज़र तो आती नहीं है। उसके जवाब में अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाई कि अल्लाह ने जो अपने नबी से वादा किया है कि अल्लाह दीन के दुश्मनों को हराएंगे, ईमान वालों को मदद करके इज्जत देंगे, अल्लाह ताला का ये हुक्म आ चुका, आ पहुंचा, अल्लाह का वादा पूरा होने वाला है। और जिस जमाने में कुरान की आयत उतर रही है तो दुनिया की पिछली उम्र के मुकाबले में अब आने वाली जिंदगी दुनिया की बहुत थोड़ी है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक दुनिया को जितने साल हो गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दुनिया की उम्र में अब बहुत थोड़े दिन बाकी है और जल्दी कयामत आने ही वाली है। और अल्लाह ताला की ज़ात शिर्क से पाक है। अल्लाह की शान के अंदर ये लोग जो अलग अलग बातें कहते हैं, गुस्ताखी की, बेअदबी की, अल्लाह की ज़ात उससे पाक है। युनज़िलुल मलाइकता बिर्रूहि मिन अम्रिहि अला मन यशाउ मिन इबादिहि अन अन्ज़िरू अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फत्तकून। वो अल्लाह ताला अपने हुक्म से अपने बंदों यानी नबियों में से जिस पर चाहते हैं फरिश्तों को वही देकर उतारते हैं। ताकि तुम लोगों को बतला दो, ताकि तुम लोगों को खबरदार कर दो। कि यकीनन मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, लिहाजा तुम मुझ ही से डरते रहो। अल्लाह सुबहानहु व ताला ने वही उतारी, दिव्य संदेश कुरान उतारा, नबी के दिल में हदीस पाक उतारी, अल्लाह ने हिदायत भेजी। तो अल्लाह सुबहानहु व ताला फरिश्तों को, जिब्राइल अमीन को अपना हुक्म लेकर के अपने बंदों में से, रसूलों में से जिस पर चाहते हैं वही को नाजिल फरमाते हैं। और तमाम नबियों की वही के अंदर एक बात बताई गई कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराओ, वरना अल्लाह ताला के यहाँ तुमको सजा होगी। अल्लाह ताला ने जिब्राइल अमीन को नबियों के पास वही लेकर के भेजा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ये वही उतारने का सिलसिला शुरू हुआ। हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक
बराबर बाकी रहा, फिर रोक दिया गया, खत्म कर दिया गया। तमाम नबियों ने लोगों को एक ही बात कही कि अल्लाह की इबादत करो। खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक तआला अम्मा युशरिकून। अल्लाह ताला ने आसमानों और जमीन को पूरी हिकमत के साथ पैदा किया है। अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन को ठीक ठीक बनाया है। अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन को सच्चे मकसद के लिए बनाया है। जो शिर्क ये लोग करते हैं उससे अल्लाह ताला की जात बालातर यानी बिल्कुल दूर है। خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين। अल्लाह ताला ने इंसान को मनी के नुतफे से पैदा किया तो इंसान देखते ही देखते अल्लाह की जात और सिफात के बारे में खुल्लम खुल्ला झगड़े करने लगा। अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन बनाए तो बिल्कुल ठीक परफेक्ट बनाए और एक हक मकसद के लिए बनाए कि ये इंसान और जिन्नात जमीन और आसमान से फायदा उठाए और अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह के एक होने को पहचाने और अल्लाह ताला की बंदगी करने वाला बने। अल्लाह ताला ने इंसान को एक नापाक मनी के कतरे से बनाया, फिर ये इंसान अल्लाह की जात के बारे में सिफात के बारे में झगड़ने लगा, गलत बहस करने लगा, गलत डिस्कस करने लगा। अल्लाह ने इस कमजोर इंसान को बदन में ताकत दी, जबान बोलने वाली अता फरमाई, सोचने वाला दिमाग अता फरमाया, लेकिन वो अल्लाह की जात के बारे में और अल्लाह की खूबियों के बारे में गलत गलत बातें बोलता है। हालांकि अल्लाह ताला की जात हर ऐब हर खामी से पाक है। खलक वल अनआम खलकहा लकुम फीहा दिफ़ु वल अनआम खलकहा लकुम लकुम फीहा दिफ़ु व मनाफ़िउ व मिनहा तअकुलून। और उस अल्लाह ताला ने जानवर पैदा किए, तुम्हारे लिए इन जानवरों में गर्मी हासिल करने की चीज़ें हैं और दूसरे भी बहुत सारे फायदे हैं और उन जानवरों में से बाज को तुम खाते हो। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए जानवर पैदा फरमाए। कितनी बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है। जिस जमाने में कुरान उतरा उस जमाने के अंदर दुनिया में जानवर अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत थी, खास तौर पर अरबों के लिए, और आज भी जानवर अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इस जानवर के ऊन में से इंसान ऊनी कपड़े बनाता है, इस जानवर की खाल स्किन और चपड़े में से लेदर जैकेट चमड़े के जैकेट चमड़े के स्वेटर बनाता है, हाथ के और पैर में पहनने के मोजे बनाता है, जूते और चप्पल बनाता है। बहुत सारी चीजें जानवर के ऊन में से, जानवर की स्किन में से, चमड़े में से बनाई जाती है और जानवर को ज़बाह करके तुम लोग खाते हो। इस वक्त दुनिया के अक्सर इंसान, बहुमती इंसान पूरी दुनिया में, वो जानवर को ज़बाह करके गोश्त खाते हैं, फिर जानवर का दूध, जानवर का दूध से बना हुआ घी, मक्खन, छास, ये सब चीज़ों से इंसान फायदा उठाता है। जानवर की हड्डी, जानवर के बाल, ये भी इंसान के काम के अंदर आते हैं। वलकुम फीहा जमालुन हीन तुरीहून व हीन तसरहून।
और तुम्हारे लिए इन जानवरों में इज्जत है, तुम्हारे लिए इन जानवरों में रौनक है, तुम्हारे लिए जानवरों में खुशनुमा मंजर है, तुम्हारे लिए जानवरों में खूबसूरती है। जब तुम शाम को चरा करके वापिस लाते हो और सुबह जब तुम चराने के लिए ले जाते हो, ये जानवर के अंदर देखो, शाम हो के सुबह हो, जानवर जब मालिक के घर से निकलेंगे, तबेले से निकलेंगे, कौड़ से निकलेंगे, तो मालिकों की एक खास शान जाहिर होती है। शाम को जब चर के आते हैं तो जानवरों के पेट भरे होते हैं, जानवर फरबा और ताज़ा होते हैं, इसलिए उस वक्त उनकी रौनक और खूबसूरती का एक खास मंजर सामने होता है। इसलिए लगता है कि आयत में शाम के जमाल को पहले अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। और पुराने ज़माने के अंदर तो लोगों के लिए जानवर बहुत ज़्यादा खूबसूरती की चीज़ है। जैसे कि आजकल किसी के दरवाजे पर चार कार खड़ी हो, चार टू व्हीलर खड़े हो, तो आदमी की मालदारी मालूम होती है। उस ज़माने में जितने ज़्यादा जानवर होते थे इतना ज़्यादा आदमी मालदार और इज्जत वाला समझा जाता था। وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ اور جن شہروں تک تم خود بھی مشقت کے جان جوکھم میں ڈالے بغیر پہنچ نہیں سکتے ان شہروں تک تمہارے بھاری سامان کو یہ جانور उठाकर ले जाते हैं। यकीनी बात यह है कि तुम्हारे रब बहुत ही शफकत करने वाले, बहुत ही मेहरबान हैं। पुराने जमाने में ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, सामान ले जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ जानवर थे। एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क इंसान सफ़र करे, जान जोखम में पड़ जावे, फिर सामान लेके जाना हो तो कितनी तकलीफ़ हो जावे, लेकिन घोड़े पर, गधे पर, खच्चर पर, हाथी पर, ऊंट पर लोग सामान लोड करके, सामान भर के ले जाते थे। पुराने ज़माने के अंदर ये ट्रांसपोर्ट और सफ़र का बेहतरीन ज़रिया था। और आज भी दुनिया में पहाड़ी इलाके, दुर्गम विस्तार ऐसे हैं कि वहाँ पर हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, हवाई जहाज़, ट्रक, कोई चीज़, ट्रेन, स्टीमर, कोई चीज़ नहीं जा सकती। सिर्फ घोड़े, गधे, खच्चर, ऊंट के ऊपर सामान ले जाना पड़ता है। आज भी जानवर को ट्रांसपोर्ट के काम में इस्तेमाल किया जाता है। अल्लाह की कितनी बड़ी मेहरबानी है, कैसी नेमत अता फरमाई। والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون। और अल्लाह ताला ने घोड़े और खच्चर और गधे भी पैदा किए ताकि तुम उनके ऊपर सवारी करो, और तुम्हारे लिए उन जानवरों में जीनत यानी रौनक है। और अल्लाह ताला बहुत सी ऐसी चीज़ें भी पैदा करते हैं, करेंगे, जिनको अभी तक तुम जानते भी नहीं हो। सुबहानअल्लाह। खास तौर पर यहाँ पर घोड़े, खच्चर, गधे का तस्केरा हुआ। इन तीनों जानवर पर इंसान सवारी करता है, इन जानवरों पर माल भी लोड करता है, माल भी ले जाता है, लेकिन ज़्यादा ये जानवर सवारी के काम में आते हैं। जब इंसान घोड़े, खच्चर, गधे पर बैठता है तो एक शान मालूम होती है, एक बहादुरी मालूम होती है, और इंसान की शान टपकती है। इसीलिए आज भी दुल्हे को बहुत से लोग जहालत में घोड़े पर बिठाते हैं शान टपकाने के वास्ते। और देखो,
अल्लाह ताला आइंदा चल करके ऐसी ऐसी सवारी पैदा करेंगे जिसको इंसान जानता भी नहीं है। तो जिस जमाने में कुरान उतर रहा था, दुनिया में बस नहीं थी, ट्रक नहीं थी, कार नहीं थी, मोटर नहीं थी, ट्रेन नहीं थी, एरोप्लेन नहीं थे, हेलीकॉप्टर नहीं थे, कोई सवारी नहीं थी, बस जानवरों पर लोग सफ़र करते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने इशारा कर दिया, आइंदा ज़माने में मैं तुमको नई नई सवारी दूंगा, नई नई गाड़ियाँ दूंगा। देखो आज जितने भी सवारी के साधन हैं, ट्रेन है, कार है, एरोप्लेन है, स्टीमर है, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, रॉकेट है, जितनी भी चीज़ें हैं ये सब अल्लाह की कुदरत है। इसलिए कि ये सब चीज़ें बनाने की अकल अल्लाह ने दी। ये सब सवारी के साधन जिस रो मटेरियल और कच्चे सामान से बनते हैं वो भी अल्लाह ने अता फरमाए। फिर उसके अंदर जो ईंधन जलता है, पेट्रोल हो, डीजल हो, ऑयल हो, केरोसिन हो, गैस हो, फ्यूल हो, वो सब का सब अल्लाह सुबहानहु व ताला अता फरमाते हैं। इंसान तो जोड़ और तोड़ करता है, यानी अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ों को आपस में जोड़ना, मिलाना, तैयार करना, बाकी सब चीज़ें अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। तो कयामत तक जितने भी सवारी के जानवर है वो तमाम के सवारी के जानवर, सवारी की गाड़ी, सवारी की साधन सामग्री, वो सब इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया। देखो इन जानवर के ऊपर बैठकर या दूसरी अल्लाह की नेमत को इस्तेमाल करके जमाल हासिल करना, जीनत हासिल करना जायज़ है। शर्त किया कि जानवर पर बैठो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी चीज़ इस्तेमाल करो, फ़खर मत करो, तकब्बुर मत करो और उसको अपना खुद का कमाल मत समझो, खुद को नेमत का मुस्तहिक मत समझो, दूसरों को हकीर मत समझो, आपस में फ़खर और मुकाबला आराई न हो, बस ये चीज़ें हराम हैं। बाकी आदमी का दिल खुश हो, अल्लाह का शुक्र हो, अल्लाह की नेमत को जाहिर करे और अल्लाह ताला ने अपने करम से मुझे दिया ये समझे, किसी को हकीर न समझे, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ये तो अल्लाह को पसंद है। वअलल्लाहि कस्दु सबील व मिनहा जाइर वलौ शाअ लहदाकुम अजमईन। और सीधा रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ले ली है। खुल्लम खुल्ले दलीलों से साबित है कि सीधा रास्ता अल्लाह ताला तक पहुंचता है और कुछ रास्ते टेढ़े भी हैं जो अल्लाह ताला तक पहुंचते नहीं हैं। और अगर वो अल्लाह ताला चाहते तो तुम सबको सीधे रास्ते ईमान पर पहुंचा देते। अल्लाह ताला की कुदरत की बहुत सारी दलीलें हैं, उसके ज़रिए से अल्लाह का एक होना साबित हो गया और दीन का, इस्लाम का, ईमान का सही होना साबित हो गया। तो ईमान का रास्ता, दीन का रास्ता अल्लाह तक पहुंचता है और बाज़ रास्ते दीन के ख़िलाफ़ टेढ़े हैं, वो अल्लाह तक पहुंचते नहीं हैं बल्कि गुमराही और शैतान तक पहुंचते हैं और वो इंसान को बर्बाद कर देने वाले हैं। अगर अल्लाह ताला चाहते तो तमाम लोगों को ईमान अता फरमा देते, लेकिन अल्लाह ताला की हिकमत और मसलिहत है। तो अल्लाह ताला ने कितना बड़ा करम फरमाया कि इंसानों को सीधे रास्ते की हिदायत दी, उसका वादा फरमाया कि मैं तुमको सीधा रास्ता बतलाऊंगा और ये अपने फजलो करम से अपने जिम्मे के अंदर ले लिया, नबियों को भेजा, आसमानी किताबें भेजी और दुनिया में अपनी कुदरत के बेशुमार दलीलें रखी
जिसके जरिए से इंसान पहचान सकता है अल्लाह एक है, अल्लाह का भेजा हुआ दीन सही है। हुवल्लज़ी अंज़ल मिनस समाई माअ लकुम मिन्हु शराबुन व मिन्हु शजरुन फीही तुसीमून। उसी अल्लाह ताला ने आसमान से पानी उतारा यानी बारिश बरसाई, उसमें कुछ पानी तुम्हारे पीने के काम आता है, उससे पीने की चीजें हासिल होती है, और उसी पानी से वो दरख्त उगते हैं जिनसे तुम जानवरों को चराते हो, चराने का काम करते हो। अल्लाह ने बारिश बरसाई, बारिश का पानी इंसान पीता है, और दुनिया में जितने भी ड्रिंक है, पीने की चीजें हैं, उसमें पानी का हिस्सा है। दूध है तो जानवर पानी पीकर के दूध देते हैं, इसी तरीके से फ्रूट का जूस है, फलों का रस है, तो उसमें भी पानी है कि अल्लाह ने पानी बरसाया तो दरख्त उगे, फ्रूट लगे और उसका जूस हम निकालते हैं। और अल्लाह ताला जो है दरख्त पैदा करते हैं, शजर और दरख्त कहते हैं जो साक यानी तने के ऊपर खड़े हो, जैसे आम का दरख्त, चीकू का दरख्त और छोटे छोटे पौधे, घास फूस सब किस्म के अल्लाह ताला ने जान दरख्त उगाए। इंसान भी फायदा उठाता है और जानवर भी उससे चरते हैं, उससे फायदा उठाते हैं। युम्बितु लकुम बिज़्ज़रअ वज़्ज़ैतून वन्नखील वलअनाब वमिन कुल्लिस समरात इन फी ज़ालिका लआयतल लिक़ौमी यतफक्करून। उसी पानी से वो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए खेती और जैतून और खजूर के दरख्त और अंगूर और हर किस्म के फल उगाते हैं। यकीनी बात ये है कि गौर और फिक्र करने वालों के लिए उसमें बड़ी निशानी है। अल्लाह ने खेती उगाई, हर तरह की खेती, इंसान की खाने पीने की ज़रूरत ज़मीन की खेती से पूरी होती है, ख़ास तौर पर जैतून ऑलिव, आदमी उसको खाता भी है, उसका तेल भी निकालता है, और खजूर भी अल्लाह ताला उगाते हैं, अंगूर भी अल्लाह ताला उगाते हैं, हर किस्म के फल फ्रूट भी अल्लाह ताला उगाते हैं। और ये खेती बाड़ी अल्लाह की ऐसी नेमत है कि उसमें इंसान ज़रा सा ध्यान देवे, ज़रा सा गौर करे, ज़रा सी अकल से काम लेवे, तो अल्लाह की कुदरत उसके अंदर समझ में आ जाती है कि एक दाना, एक बीज, एक गुटली ज़मीन में इंसान डालता है, उसमें से कितना बड़ा दरख्त, कितनी बड़ी खेती अल्लाह सुबहानहू व ताला पैदा फरमा देते हैं। वसख़र लकुम अल-लैल वन-नहार वश-शम्स वल-क़मर वन-नुजूम मुसख़रातुम बिअम्री इन फ़ी ज़ालिका लआयातिल लिक़ौमी याक़िलून। और तुम्हारी यानी इंसानों की खिदमत के लिए रात और दिन और सूरज और चांद को लगा रखा है, और सितारे भी अल्लाह के हुक्म से तुम्हारी खिदमत में लगे हुए हैं। यकीनी बात यह है कि जो लोग सही अकल से काम लेवे उनके लिए उसमें बड़ी निशानियां हैं। अल्लाह ने रात दिन का सिस्टम बनाया, रात में आराम करो, दिन में काम करो, सूरज रोशनी और गर्मी देता है, चांद चांदनी और ठंडक देता है, सितारे भी इंसान की खिदमत में लगे हुए हैं। अल्लाह ताला की ये कितनी बड़ी कुदरत है, ज़रा अकल से काम लो, समझो, अल्लाह की कुदरत समझ के अंदर आ जाएगी। वमा ज़रा लकुम फिल अर्द मुख्तलिफन अलवानुह इन फी ज़ालिका लआयतल लिक़ौमिन यज़्ज़करून।
और वो अल्लाह ताला रंग बरंग की चीजें भी, अलग अलग रंग की चीजें भी जो तुम्हारे लिए जमीन में फैला रखी है। यकीनी बात यह है कि सोचने वाली कौम के लिए इसमें बड़ी निशानी है। यकीनी बात है जो लोग नसीहत हासिल करते हैं उनके लिए बड़ी निशानी है। अल्लाह ताला ने इंसान की खिदमत के अंदर रात को लगाया, सूरज को लगाया, अल्लाह ताला ने जमीन में रंग बिरंगी अलग अलग कलर की चीजें तुम्हारे लिए बनाई, अलग अलग किस्म के जानवर, अलग अलग किस्म के दरख्त, और जो है इसके अंदर इंसान का बड़ा फायदा है। सब इंसान की खिदमत में लगे हुए हैं। जो आदमी नसीहत हासिल करना चाहे उसके लिए उसके अंदर अल्लाह की कुदरत की बड़ी निशानी है। तो अल्लाह ने अकल दी, समझ दी, गौर करो, फिकर करो, ध्यान करो, नसीहत हासिल करो। इस कायनात में, इस दुनिया में बेशुमार चीज़ें ऐसी है जिनसे इंसान अल्लाह के एक होने को समझ सकता है। وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ। اور وہی اللہ تعالیٰ ہے जिन्होंने समंदर को काम में लगा दिया ताकि तुम उस समंदर में से ताज़ा गोश यानी मछली खाओ, और तुम उस समंदर में से जवेरात यानी मोती निकालो जिनको तुम पहनते हो, और तुम कश्तियों को देखते हो जो इस समंदर में पानी को फाड़ती हुई, चीरती हुई चली जाती है। और समंदर को इसलिए भी तुम्हारे काम में लगा दिया कि तुम उस अल्लाह ताला का फजल यानी हलाल रोजी हासिल करो, और ताकि तुम शुक्र अदा करो, अल्लाह का एहसान मानो। अल्लाहु अकबर। समंदर भी इंसान की खिदमत में, आदमी समंदर में स्टीमर में बोट में सफर करता है, समंदर के अंदर से मछली और मछली निकालता है और ताज़ा ताज़ा गोश्त खाता है। मछली को ज़बा करने की ज़रूरत नहीं, मछली पकड़ो खाओ। समंदर के अंदर से हीरे निकलते हैं, मोती निकलते हैं, इंसान उसका हार बनाता है, जेवर बनाता है, पहनता है। मोती, मूंगा, जवाहरात, ये सब चीजें समंदर के अंदर से निकलती है। कानों कान माइंस में से भी निकलती है। औरतें उसको जवेरात को पहनेगी और मर्दों को अच्छा लगेगा कि मेरी बीवी ने कितना अच्छा जेवर पहना, तो उसमें मर्द का फायदा है। और ये चीजें, उसमें से बास चीजें इंसान इनडायरेक्ट तौर पर खुद भी इस्तेमाल करता है। बड़ी बड़ी कश्तियां, स्टीमर, सामान लेकर, इंसान को लेकर एक मुल्क से दूसरे मुल्क सफर करती है, और इंसान उसके जरिए हलाल रोजी कमाता है। وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ। और उस अल्लाह ताला ने जमीन के अंदर भारी पहाड़ के बोझ रख दिए ताकि वो पहाड़ तुमको लेकर जमीन में हिलने यानी डगमगाने न लगे। और उसी अल्लाह ताला ने नदियां बनाई और रास्ते बनाए ताकि तुम उस पर चलकर जहां जाना हो वहां पहुंच सको। अल्लाह ताला ने जमीन के ऊपर पहाड़ बनाए। पहले जमीन हिलती थी, पहाड़ का बोझ आ गया, हिलना बंद हो गई। पहाड़ में और भी बहुत सारे फायदे हैं। लोग हिल स्टेशन पर जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं तफरीह करने के लिए, माइंड फ्रेश करने के लिए, बॉडी को आराम देने के लिए। पहाड़ों के ऊपर चाय होती है, आसाम में चाय के बाग बाड़ियां पहाड़ों पर है,
पहाड़ों पर कोई बहुत सारे फल फ्रूट होते हैं और पहाड़ों के ऊपर से पत्थर निकलते हैं, खास किस्म के जानवर भी वहाँ पर होते हैं। दुनिया में अल्लाह ने नदियाँ बनाई, नहरें बनाई, ये रास्ते बनाए, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। रास्ते नहीं होते तो हम सफ़र कैसे करते। वह अलामात व बिन नजमी हुम यहतदून, और ज़मीन पर रास्तों को पहचानने के लिए बहुत सारी अलामतें निशानियां बनाई, और सितारों से भी वो लोग रास्ते मालूम करते हैं। ये ज़मीन के ऊपर जो रास्ते हैं, पुराने ज़माने के अंदर अजीब तरह की निशानी थी कि भाई चलो सूरत जाना है तो कहा बाडोली से निकलो और फिर आम का दरख्त आएगा, वहाँ से टन मार लेने का, फिर जाने का जाने का जाने का, फिर बड़ का दरख्त आएगा तो समझो कड़ोदरा आ गया, वहाँ से फिर अहमदाबाद जाने के लिए राइट साइड जाओ। इस तरह निशानियाँ कुदरती अल्लाह ने बनाई हुई है। आज भी बहुत सी जगहों पर कोई दरख्त है, कोई ऊंची जगह है, कोई नीची जगह है, कोई पानी है, वो सब निशानी होती थी कि वहाँ से आदमी रास्ता मालूम करता था। और आज के ज़माने में साइन बोर्ड आ गए, हाईवे पर माइल स्टोन आ गए, बोर्ड आ गए, पत्थर आ गए, इसके ज़रिए से इंसान रास्ता मालूम करता है, कौन सी जगह कहाँ है, क्या नहीं है। ये इंसान के लिए अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। और ये सितारे जो हैं उसके ज़रिए से भी इंसान रास्तों को मालूम करता है। एरोप्लेन, स्टीमर, ये जो कंपास और ये जो अलग अलग रास्ता बताने वाली मशीनें हैं, उसका ताल्लुक सितारों से है। अफमई अखलुकु कमल्ला यखलुकु अफला तज़क्करून, अब बताओ कि जो अल्लाह ताला ये सब कुछ पैदा करे वो उन बुतों के बराबर हो सकते हैं जो कभी कुछ पैदा नहीं कर सकते? क्या फिर भी इतनी बात तुम नहीं सोचते हो? अल्लाह ताला तमाम चीज़ों को पैदा करने वाले, तमाम चीज़ों को बनाने वाले, और इन बुतों ने तो कुछ भी नहीं बनाया, कोई चीज़ नहीं बनाई। क्या तुम लोग जो है नसीहत नहीं हासिल करते, सोचते नहीं कि अल्लाह पैदा करने वाले और ये बुतों ने तो कुछ भी नहीं बनाया, बल्कि बुतों को बनाया जाता है। وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ, अगर तुम अल्लाह ताला की नेमत को गिनने लगो तो तुम उसको शुमार नहीं कर सकते। यकीनी बात है कि अल्लाह ताला तो बहुत माफ करने वाले, बहुत रहम करने वाले हैं। बहुत सारी चीजें गिनने का रिवाज है, अल्लाह की नेमतें इतनी हैं कि कोई इंसान गिन नहीं सकता। बहुत सारी चीज़ों के ज़र्रात और अफराद बहुत ज़्यादा है, गिन नहीं सकते, बल्कि गिनना नामुमकिन, इम्पॉसिबल है। जैसे कि रेत, रेती, कंकर, कपची, दरख्त के पत्ते, तो उनकी मिकदार की तायीन के लिए इहाते की पैमाइश इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि रेत वगैरह को बेचा जाता है तो ब्रास का पैमाना होता है, स्क्वायर फुट का पैमाना होता है, 100 क्यूबिक फीट के ऊपर एक ब्रास होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, गहराई किसी तरह भी 100 क्यूबिक गज फीट होना चाहिए। अल्लाह ताला की नेमतें बंदों पर इतनी ज़्यादा है कि बंदे गिन तो नहीं सकते, इहाता भी नहीं कर सकते, घेराव भी नहीं कर सकते। ये अल्लाह सुबहानहु व ताला की बहुत अजीम कुदरत है, बहुत अजीम नेमत है इंसान के वास्ते। समझो कि बारिश के कतरों से भी ज्यादा हर घड़ी अल्लाह की नेमतें बंदों पर बरसती रहती है, बंदा उसको गिन भी नहीं सकता, तो बंदा शुक्र तो किसी तरह अदा भी नहीं कर सकता।
अल्लाह बहुत माफ़ करने वाले, बहुत रहम करम करने वाले हैं, बहुत मेहरबान है मेरे अल्लाह सुबहानहु व ताला। अल्लाह सुबहानहु व ताला की नेमतों को कोई गिनना चाहे तो गिन नहीं सकता, लेकिन इंसान शुक्र अदा नहीं करता। अल्लाह माफ़ करते हैं, वरना अल्लाह पकड़ने लगे तो कब से इंसान तबाह हो जाए। अल्लाह रहम करते हैं, वरना कब से इंसान बर्बाद हो जाए। वल्लाहु यालमु मा तुसिरून व मा तुअलिनून, और जो तुम छुप कर करते हो और जो तुम जाहिर करके करते हो, अल्लाह ताला उसको जानते हैं। वल्लदीन यदउन मिन दूनिल्लाहि ला यखलुकून शैअन व हुम युखलकून, और वो काफिर लोग अल्लाह ताला को छोड़कर जिन देवताओं को पुकारते हैं वो तो कुछ भी नहीं बनाते, और वो बुत तो खुद ही मखलूक है। अमवातुन गैरु अहया, वल्लाहु यालमु मा तुसिरून व मा तुअलिनून, और जो तुम छुप कर करते हो और जो तुम जाहिर करके करते हो अल्लाह ताला जानते हैं। والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون, और वो काफिर लोग अल्लाह ताला को छोड़कर जिन देवताओं को पुकारते हैं वो तो कुछ भी नहीं बनाते, और वो बुत तो खुद ही मखलूक है। اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون, वो तो सब बेजान है, उनमें जान ही नहीं, जिंदगी ही नहीं, उनको तो ये भी खबर नहीं है कि उन मुर्दों को कब जिंदा करके कयामत के दिन उठाया जाएगा। लिहाजा एक अल्लाह की इबादत करने वाले बनो, एक अल्लाह ताला की बंदगी करने वाले बनो। इलाहुकुम इलाहुं वाहिद, فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون, तुम्हारा सच्चा माबूद तो बस एक ही माबूद यानी अल्लाह ताला है, सो जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं लाते उनके दिल मानते नहीं हैं और वो घमंड में पड़े हुए हैं। अजीब बात इस आयत के अंदर फरमाई गई, अल्लाह ताला इंसान की छुपी हुई खुली हुई हर हालत को जानते हैं। ये लोग अल्लाह को छोड़ करके जिन बुतों की इबादत करते हैं वो किसी चीज को पैदा नहीं कर सकते, वो खुद मखलूक है, उनमें कोई जान नहीं है, और इन माबूदों को तो बुतों को इतनी भी खबर नहीं है कि कयामत में मुर्दे कब उठाए जाएंगे। बास को तो इल्म ही नहीं कयामत का, बास को मुतायन इल्म नहीं है, और तो हमारा तुम्हारा सबका माबूद एक अल्लाह है। जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं लाते, तौहीद कबूल नहीं करते, उनके दिल ऐसे बना दिए गए हैं कि तौहीद और ईमान को कबूल करने की उनके अंदर काबिलियत नहीं है, और वो लोग तकब्बुर की गंदगी में पड़े हुए हैं। देखो, आदमी एक मर्तबा इनकार करता है, अल्लाह को मानता नहीं है, नबी को मानता नहीं है, फिर उसका दिल दिमाग जिद्दी बन जाता है, और दिल दिमाग के अंदर जो है जिद आ जाती है। अल्लाह ऐसी तकब्बुर और जिद वाली हालत से हमारी हिफाजत फरमाए। ला जरम अन्नल्लाह यालमु मा युसिरून व मा युअलिनून इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, पक्की बात है कि जो बात वो छुपाते हैं और जो बात वो जाहिर करते हैं अल्लाह ताला उसको जानते हैं, यकीनन वो अल्लाह ताला गमन करने वालों को पसंद नहीं करते। और जब इन काफिरों से पूछा जाता है कि कुरान के मुतालिक जब पूछा जाता है कि तुम्हारे रब ने क्या उतारा, तो जवाब देते हैं कि पहले जमाने के लोगों की कहानियां यानी अफसाने हैं। अजीब ये काफिर लोग हैं कि जब उनको पूछा जाता है कि भाई ये कुरान क्या चीज है, तो कहते कि कुरान के अंदर पुराने जमाने के लोगों की
कहानियां हैं। हालांकि कुरान अल्लाह के यहाँ से आने वाली सच्ची किताब, कुरान अल्लाह के यहाँ से आने वाली पाकीज़ा किताब, कुरान अल्लाह के यहाँ से आने वाली सही सच्ची किताब, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग कहते हैं कि कुरान में तो पुराने ज़माने की कहानियां हैं। कहानी नहीं, पिछली उम्मतों के इबरत के किस्से अल्लाह ने बयान किए कि पिछली उम्मतों में जो लोग ईमान नहीं लाए उनके ऊपर अल्लाह का अजाब कैसा आया, तो वो चीज़ जो बयान की गई तो उसको लोग कहानी कहते हैं। ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون। इस तरह की बात कहने का अंजाम ये होगा कि कयामत के दिन अपने गुनाहों का पूरा बोझ उठाएंगे और जिन लोगों को बगैर किसी इल्म के गुमराह कर रहे हैं उनके गुनाहों के बोझ का कुछ हिस्सा भी अपने ऊपर उठाना होगा। सुन लो, बहुत ही बुरा बोझ वो अपने ऊपर उठा रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये लोग जो ईमान नहीं ला रहे हैं कयामत के दिन अपने गुनाहों का पूरा बोझ उठा के आएंगे, और दुनिया में जहालत से दूसरों को गुमराह किया था उनके गुनाहों का बोझ भी खुद उठाएंगे। याद रखो, दुनिया में कोई अच्छे तरीके लोगों को सिखलाओ, दुनिया में लोगों को गुमराह मत करो, दुनिया में लोगों को भटकाओ मत, वरना तुम्हारी वजह से कोई आदमी गुमराह हो गया, तुम्हारी वजह से कोई आदमी भटक गया तो उसका वबाल भी तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम्हारी गुमराही का वबाल भी तुम्हारे ऊपर आएगा, और तुम्हारी वजह से कोई गुमराह हो गया उसका वबाल भी तुम्हारे ऊपर आएगा। इसीलिए लोगों को अच्छी बातें सिखाओ, लोगों को पाकीज़ा प्यारी बातें सिखाओ, लोगों को दीन की अच्छी अच्छी बातें सिखाओ, किसी को गुमराह मत करो, वरना खुद को ऊपर गुनाह, दूसरों को गुमराह करने का गुनाह इंसान को उठाना पड़ेगा। अल्लाह ताला हमारी गुमराही से हिफाजत फरमावे, दूसरों को गुमराह करने से भी अल्लाह हमारी हिफाजत फरमावे, अल्लाह हम सबको सही राह अता फरमावे। यही इंसान की बहुत बड़ी खुशनसीबी है, बहुत बड़ी सआदत मंदी की बात है। हमेशा कोशिश करो दूसरों को हमारे जरिए अच्छा रास्ता मिले, किसी को हमारे जरिए गलत और गुमराही का रास्ता न मिले, उसकी कोशिश करनी चाहिए, वरना आखिरत में बड़ा खतरनाक वबाल है। अल्लाह गुमराह होने से, गुमराह करने से हमें बचने की तौफीक अता फरमावे।